प्रखंड सिसई थाना के अंतर्गत ग्राम छारदा रोड सिसई निवासी मुंतजीर अंसारी उर्फ मुन्ना अंसारी उम्र 26 वर्ष पिता रोजमत अंसारी को नशीला दवा चोको कैस सिर्फ रखने के आरोप में गिरफ्तार एवं जांच पड़ताल कर भेजा गया जेल। थाना प्रभारी अनिल लंडा ने बताया कि छारदा रोड में मुंतजीर अंसारी उर्फ मुन्ना नामक युवक द्वारा नकली दवा बेचने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापामारी दल का गठन कर सिसई थाना के पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल उसके घर पहुंचे। घर पहुंचने पर एक आदमी निकलकर भागने लगे। उसे पकड़ने पर उसने अपना नाम मुंतजीर अंसारी उर्फ मुन्ना बताया। सूचना मिली थी कि सिसई बस्ती के छारदा निवासी मुंतजीर उर्फ मुन्ना अवैध रूप से कोरेक्स का व्यापार करता है। गुप्त रूप से मिली सूचना का अवगत वरीय पदाधिकारी को कराया गया और वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार गुप्त सूचना के आलोक में थाना दर्ज करते हुए एक जो सूचना मिली थी उसका सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु वरीय पदाधिकारी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम के द्वारा सूचना के आलोक में मुन्ना खान के घर में जाकर छापामारी किया। तो छापामारी के दौरान उस घर से एक व्यक्ति भागने लगा तो उस व्यक्ति को सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया और उस व्यक्ति का नाम पूछने पर उस व्यक्ति के द्वारा अपना नाम मुंतजीर खान को मुन्ना खान बताया। तब जो गुप्त सूचना मिली थी उसके बारे में कोरेक्स के बारे में पूछा गया तो और उसका बदन का तलाशी लिया गया तो उसका कमर से दो कोरेक्स का बोतल मिला और उसके बाद उसके कड़ाई से पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि अपने घर के आंगन में जो शौचालय है उसके सभी मिट्टी के घड़ा में घड़ा में कोरिया गया। तब उसके निशानदेही पर उस जगह का खुदाई किया गया तो उस खुदाई के दौरान मिट्टी के घड़ा से करीब 23 बोतल कोरेक्स मिला। उसके बाद कोरेक्स के बारे में उससे पूछने पर बताया कि उसकी दोस्ती 5-6 महीना पूर्व रांची के एक लड़का से हुआ था जिसके द्वारा इनको कोरेक्स दिया जाता था। ये एक पेटी करके यहाँ से सिसई बस्ती लाते थे और यहाँ के गली चौराहों में एक एक दो दो करके यहाँ के व्यक्तियों के बीच पर बोतल 250 रुपया करके और इस तरह से कोरेक्स का व्यापार करते आ रहा था। तो सूचना के आलोक में हम लोग गए थे और उसके घर में छापामारी किए थे। उसमें कुल 25 बोतल कोरेक्स बरामद हुई। तत्पश्चात हाल ही में गए पदाधिकारियों के द्वारा कोरेक्स को सीज किया गया और थाना लाया गया और इसकी सूचना विधिवत एक आवेदन के माध्यम से ड्रग्स दिया गया और उस जो भी सैंपल हम लोग को 25 बोतल बरामद हुई थी उसका जांच किया। तब उसके बाद हम लोग उसकी गिरफ्तारी करके FIR में कन्वर्ट करके उसको आज जेल भेज दिया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।